देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। दशकों से अभिशाप बन चुका मैसौल ओवर ब्रिज का अब जल्द होगा निर्माण। जी हाँ, सीतामढ़ी शहर के मैसौल गुमती पर दशकों से लगने वाले जाम से अब बहुत जल्द ही लोगों को राहत मिलने वाली है। सीतामढ़ी के भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने बताया कि चुनाव के पहले मैंने यहाँ के लोगों से वादा किया था, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। इसके लिए हमने प्रयास करके 84 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिलाई है, टेंडर भी हो चुका है, बहुत जल्द काम शुरू होगा। बता दें कि सीतामढ़ी शहर में 14 वर्ष पहले ओवरब्रिज निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। 14 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत भी किया गया था, लेकिन 14 साल में सिर्फ 2 पायों का ही निर्माण हो पाया, योजना को अधूरा छोड़ दिया गया। हालात यह है कि ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण सीतामढ़ी में भयानक जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों की परेशानी बढ़ती है। जाम में फंसकर अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब इसका निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं ताकि पुपरी न्यूज़ की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। जूझ रहे थे ब्रिज के कारण और बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए कि ब्रिज बनने का, कि जितना जल्दी उतना जल्दी ब्रिज बने। और हमारा सीतामढ़ी बहुत पीछे रह गया, सीता भगवान का यहाँ जन्मभूमि है, इस कारण की वजह से हमारा सीतामढ़ी बहुत पीछे रह गया है। हम लोग का कोशिश यही है कि मैसौल का कहना कि ब्रिज बने और सीतामढ़ी को डेवलप करें, और यहाँ का जो बिजनेस है वो पीछे रह गया। यहाँ कुछ नहीं है साधन, ब्रिज के कारण ही पीछे रह गया सीतामढ़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है MD नौसादे सी जी। खुशी तो बहुत है, बट ये है कि जितना जल्दी बन जाए उतना लोगों के लिए सहूलत रहेगा, क्योंकि बहुत दिन से इंतजार हो रहा है। और बहुत खुशी की बात है अगर जितना जल्दी जो है कार्य जो है स्टार्ट हो जाए, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फैयाज आलम है। ओवरब्रिज के लिए हमने शून्य से लेकर शुरू किया था, जहां 14 करोड़ का एस्टीमेट था, उसको चिर प्रतीक्षित होने के बाद और समय का दौर गुजरने के बाद महंगाई के कारण 84 करोड़ का एस्टीमेट हुआ, जिस कारण अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि इसका हम थोड़ा सा रिवीजन करके देखते हैं, क्योंकि 6 गुना वृद्धि हो गया है। फिर उसके बाद उन्होंने उसको स्वीकृति दी, उसके बाद राज्य सरकार के पास वहाँ का सारा कागजात आया और राज्य सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने इसे स्वीकृति दिया, और स्वीकृति देकर टेंडर में गया, और टेंडर में जाने के बाद वर्क ऑर्डर हो गया। तो हमारा पहला जो चुनावी वायदा था वह आज पूरा हुआ। चूँकि हम एक्सीडेंट के कारण 3 महीने से बेड रेस्ट में हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस काम को जनता को बता दें, कि जनता अब आश्वस्त रहे कि बिल्कुल मेरे इसी कार्यकाल में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इस खबर के प्रायोजक हैं स्वीट इंडिया। अब आपके शहर पुपरी बसंत चौक पर श्रवण कुमार जी की एक और नई दुकान, जहां मिलता है 56 भोग, रसमाधुरी, काजू बर्फी, चाट, चाउमीन, छोले भटूरे इत्यादि। शुद्ध एवं स्वच्छ मिठाइयों के लिए एक बार अवश्य पधारें। बसंत चौक पुपरी, प्रोप्राइटर श्रवण कुमार।